क्या सामने आ सकते हो जो भी है अल्लाह की मखलूक हो? अच्छा आप अब चुप रहे, मैं उसे बुलाती हूँ, ठीक जी है। बिस्मिल्लाह, आ जाओ बेटा, आपको कुछ नहीं कहेंगे, आ जाओ। आप अली दरवाजा अली, लाइट लाइट बंद कर लाइट दे। बंद कर दें, और उसको ये अपनी भी लाइट ज़रा बंद कीजिएगा, ज़रा कैमरे की लाइट बंद करना अली, और यहाँ पे मगर वो सामने ना आ जाए, अल्लाह आ अस्तगफिरुल्लाह जाए, आ अस्तगफिरुल्लाह। जाओ, अच्छा आ हाँ जाओ। हम सिर्फ 3 लोग यहाँ हम मौजूद हैं, आपको ये कुछ सिर्फ देखना आवाज़ें हैं, चाह ये रहे हैं मैम जी। कुछ आवाज़ें आ रही हैं, ये जी ये ऊपर छत पे भी अकेले नहीं होते, मशारिफ अक्सर इनके दोस्त इनके साथ होते हैं, देखें ये आज भी है नॉक हो रहा है। जी। आ कौन जाओ, है? इसको दरवाजे बाहर बंद भेजना हैं है, और हम लोग सब इसको भेजना है, हमने इससे जाना है। लाइट आ जाए बंद है। सामने, बहुत आ जाओ, नजर आएगी तो फिर ही मशारिफ अंधेरा है हमने और मशारिफ ला माफ कर, मुझे वहां से आवाज ओ करके मेरे डाली है। अल्लाह, ये रो कौन रहा है? ओ माय गॉड, कोई रो रहा है? आएगी तो फिर ही मशारिफ बहुत अंधेरा है हमने और ला मशारिफ माफ कर, मुझे वहां से आवाज ओ करके मेरे डाली है। अल्लाह, ये रो कौन रहा है? ओ माय गॉड। कोई रो रहा है? मैम ये सामने खड़ी है, अल्लाह की कसम ही सामने आ गई है, ये नाइट विजन पे देखे, अल्लाह ओ, अकबर, चले जाओ, उफ चली माय जाओ, गॉड चली यार, जाओ बच्चा, चली अल्लाह जाओ। अकबर। अली वो तंग देख नहीं सामने, करना, तंग नहीं करना हमें, हम तुम्हें अल्लाह की तरफ भेज रहे हैं वापस। तंग वो नहीं करना, गायब हो गई है। चले जाओ। क्यों रो रही है? जाते हैं, कुछ नहीं है, जाओ कौन जाओ है? जाओ, तुम्हें कह रहे हैं जाओ। अल्लाह की अमान भी दिया हमने, अल्लाह की अमान भी दिया, अल्लाह की अमान भी दिया। वो जा रही है, रो नहीं बच्चा, नहीं, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, कौन चले है? जाओ। मशरब, कैसे अल्लाह खामोश कर रहा है, अल्लाह की तरफ से देखिए नाजरीनो, अकबर, अनबिलीवेबल, इसको जाने दो, मैं बंद कर रही हूँ फोन, जाने दो लाइट्स लाए, इसको, लाइट्स लाओ, लाइट्स लाओ अली, अली लाइट लाइट्स जलाओ, लाइट्स लाए जल्दी, इसको जाने दो, जाने दो इसको, ये रुकी अस्तगफिरुल्लाह रहेगी अगर लाइट चलती रहेगी। चलो, अली गई आप ठीक हैं जी। नाज़िम? बकायदा आज का जो हमने एपिसोड किया है वो चीज़ बहुत ज़्यादा वाज़िया हुई है, मैं बयान नहीं कर सकता कि इतनी जल्दी सामने आना, लास्ट टाइम वो बच्चे की शक्ल में हमें चीज़ नजर आई, लेकिन आज आप एडिट पे आपने देखा है कि एक छोटी उम्र की एक बच्ची नजर आई है, काली स्याह उसकी लाल आंखें रिकॉर्ड हुई हैं, हमने फुल लाइट्स ऑफ करके आज खुद ही इन्वेस्टिगेशन की है, नाइट विजन पे वो बकायदा इस खिड़की के पीछे रिकॉर्ड हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यार वो डाउट हो या कुछ और हो, जब वो चीज़ को ये कह रही थी चले जाओ और ये पढ़ाई कर रही थी तो वो रोते हुए सामने गई है, यहाँ से रोने की आवाज़ें आई हैं वो भी रिकॉर्ड हुई हैं, कैंडल्स इस्तेमाल हुई हैं, खुशबू का इस्तेमाल किया है, मेरे पास अल्फाज नहीं है मैम, आज जो हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की है, वेरी क्लियर प्रूफ, प्लीज़ डू नॉट ट्राई एनीथिंग एट होम, कैंडल्स का इस्तेमाल करना, ओजा बोर्ड का इस्तेमाल करना या जो भी पढ़ाई है वो एक प्रोफेशनली इस चीज़ को करती हैं। कैसा आप, तबीयत कैसी है आपकी? बेहतर है, बेहतर लेकिन है, बहुत एनर्जी लेता है ये बहुत जीन्स बहुत, आपके अंदर से जो है ना, रूह से सारी खींच मैं के। बिल्कुल समझ रहा और हूँ, आपने सही कहा, प्लीज आप लोग घर पे खुद ना ट्राई करें, ठीक है, ये आपके अंदर भी आ सकती है और इसको मैं बाहर रखने के तो लिए भी बहुत मुश्किल एक वजीफा होता है जो आपको जी साथ साथ करना पड़ता है।
और मशारे भी हमेशा छोटे बच्चों की शेप में इसलिए आते हैं कि उनको उनके अंदर जज्ब होना या उनके अंदर घुस जाना जरा आसान होता है, जी। बड़ा इंसान क्वेश्चन करता है, उसको फील होता है, तो मैं बच्चों को तो इसलिए ये लोग यूज इस करते टाइम हैं। रात के टाइम इनके अलावा यहाँ कोई मौजूद नहीं है, और बच्चे नजर आना इस ऐसी जगह पे जो टेरेस का बेल्कनी से है, विच इज अनबिलीवेबल, इतना क्लियर ये चीज को सामने लास्ट टाइम भी बच्चा नजर आया, लेकिन आज तो ऐसा खौफ ज्यादा चेहरा था उस मैं उसको मासूम बच्ची भी नहीं कह सकता, एक छोटी उम्र की बच्ची क्या होती है, वो एक मासूमियत होती है, वो ऐसे देख रही है मुझे, नाइट विजन में रिकॉर्ड हुई है, आंखें उसकी ब्लैक जैसे सुरमा लगा होता है, और खौफ से वो देख रही है, गुस्से से बाल उसके मुंह पे हैं, इधर पहले रिकॉर्ड हुई है, वही थी मतलब बिल्कुल क्लियर, ये भी नहीं कि साया बॉडी शेप में नजर आई है, आपकी प्रोसेस तबीयत भी कर खराब, लेते हैं। आपकी तबीयत भी खराब हुई है, और अब वो चीज मुझे उम्मीद है यहां से चली गई है, इंशाल्लाह और आपको भी अब डिस्टर्ब ना करे, जी, और आज हम लोगों ने अच्छा किया है कि हम इकट्ठे हाँ हुए जी, हैं और इस चीज को हमने बुलाया है, ताकि जिस वजह से आप मुश्किल में थी वो आपको भी पता लगा, हाँ जी, लोगों ने भी देखा, अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमारी कोशिश हमेशा यही रही है कि हम लोग आपको क्लियर एविडेंसेस दिखाएं, ना कि इसमें कोई भी एडिटिंग मौजूद नहीं है, इसमें कोई चीज उस तरह नहीं है, जो कुछ हुआ है वो कैमरे की आंख ने रिकॉर्ड किया है और इसी जगह हुआ है, ये सारा आपके सामने था, पॉजिटिव फीडबैक जो होता है वो भी हमें और बेहतरी करने के लिए होता है कि हम उसमें और बेहतरी चीजें लाएं, लाल रुख साहबा से भी आप रब्ता कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों की स्क्रीन पे होता है, कुछ और लोकेशंस पे अगर आप हमें बुलाना चाहते हैं तो हमें बताइए, अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट है वो भी हमें बात बता सकते हैं, आपके बहुत शुक्रिया कीमती टाइम का, आपका शुक्रिया। अकेली होती तो जरा घबरा जी जी जाती, जी इसलिए मैंने आपको बुलाया कि ये इस चीज को दूर आई एम करने वेरी के ऑनर्ड लिए जी, या बहुत बहुत मुझे शुक्रिया जी किसी मस्जिद से मौलवी साहब को जी बुलाना जी पड़ता, लेकिन आप चूंकि हमारे घर के बच्चे हैं, जी जी इसलिए मैंने कहा बहुत चलिए शुक्रिया, बहुत साथ शुक्रिया देने के लिए बहुत शुक्रिया। आपके, और मुझसे जी कॉन्टेक्ट करने के लिए आप इशारे को कॉल करके बिल्कुल मुझसे नंबर बिल्कुल ले सकते हैं। बिल्कुल बहुत शुक्रिया बिल्कुल, आपका, आपकी कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया जी, जी नाजी अपने फीडबैक से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा, अगर आपके में भी कोई ऐसी जगह है जो आप समझते हैं कि वो असेफ ज्यादा है, या कोई ऐसा पेशेंट आपके पास मौजूद है तो हमसे आप रब्ता कर सकते हैं, तो अभी तक के लिए मुशारे फारूकी और लाला रुख साहिबा को दीजिए इजाजत, जजाकअल्लाह अल्लाह खैर। हाफिज। प्रोग्राम आसिफ जरा।